मार्शल आर्ट एकेडमी सिराज द्वारा हिमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 4 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्राथमिक केंद्रीय विद्यालय जंजहैली में आरंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जंजहैली पंचायत प्रधान अहल्या कुमारी ने किया। हिमांग मार्शल आर्ट एकेडमी सिराज द्वारा हिमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में 4 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्राथमिक केंद्रीय विद्यालय जंजहैली में आरंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जंजहैली पंचायत प्रधान अहल्या कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर जंजहैली पंचायत वार्ड सदस्य दयावंती तथा तुंगाधार पंचायत वार्ड सदस्य चौहान सिंह भी मौजूद रहे। हेमांत मार्शल आर्ट अकेडमी सिराज के प्रशिक्षक सेंसेई नरेंद्र कुमार संपाई बनीता कुमारी तथा संपाई अभिदित शर्मा द्वारा हिमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के मुख्य प्रशिक्षक एवं तकनीकी निदेशक केओशी जोगिंदर सिंह आजाद की देखरेख में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 55 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। केओशी जोगिंदर सिंह आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षुओं को जूडो और कराटे की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अकेडमी सिराज द्वारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जंजहैली में 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत जंजहैली के प्रधान श्रीमती अहिल्या कुमारी जी ने इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण शिविर में जूडो एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मंडी के महासचिव व हिमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के टेक्निकल डायरेक्टर क्योशी श्री जोगिंदर सिंह आजाद जी इन प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षकों को जूडो व कराटे की कुछ तकनीक इस प्रशिक्षण शिविर में जूडो व कराटे की तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में सिराज ब्लॉक के लगभग 55 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। अभी 10 जुलाई को मंडी के बैडमिंटन हॉल में 7वीं जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का संपन्न हुई, जिसमें सिराज ब्लॉक के लगभग 30 प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया और इन प्रशिक्षुओं ने 14 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए।